इसमें हम JBL के स्टेज 2 कंपोनेंट लगा रहे हैं, इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो इंटीरियर में हमने इसमें लगाई है K4 वाली एम्बिएंट लाइटिंग, जो कंपनी से स्टॉक सीट कवर आए तो वो कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा ये जो लेदर है इसका काफी ज्यादा क्रैकल हो गया है, कवर की क्वालिटी रहने वाली है, नापा लेदर सीट कवर रहने वाला है। तो आज हमारे पास ये टाटा सफारी डायकॉर्ड जो कि 10 साल पुरानी कार रहने वाली है, तो इसमें हम कर रहे हैं कुछ रिस्टोरेशन की प्रोसेस, क्योंकि कस्टमर का प्रेफरेंस था उनको कार बेचनी नहीं है, उनको रखनी है और कुछ एडिशनल कुछ अपग्रेडेशन करके उनको एक कार रखनी है। तो इसमें हम कर रहे हैं कुछ अपग्रेडेशन जो कि आपको अब ये वीडियो में हम दिखाएंगे। बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, तो इसकी हेडलाइट पूरी तरह से कंप्लीट ख़त्म हो चुकी है, तो इसको रिप्लेस करके हम इसकी हेडलाइट चेंज करने वाले हैं। इसमें हम लगाने वाले हैं लुमेक्स ब्रांड की हेडलाइट जो कि ब्रांड न्यू रहने वाली है, जो कि टाटा सप्लाई करता है, तो वो भी इसमें चेंज होने वाली है। इसकी फॉग लैम्प भी हम चेंज करने वाले कंप्लीट, और हेडलैम्प की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसमें लगाने वाले अजूम की LED जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में जैसे इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये चढ़ने उतरने में बहुत प्रॉब्लम देती है, तो इसमें हम साइड फुटरेस्ट ऐड करने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट मॉडल इसमें हम ऐड कर रहे हैं, जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, दिखाते हैं कैसा क्या इसका अब इंटीरियर है और मॉडिफिकेशन करने के बाद कैसा इंटीरियर इसका लगता है। तो इसमें अभी सारी प्रोसेस चालू हो गई जो इसमें हम वर्किंग करने वाले हैं। इसमें हम जो कंपोनेंट लगा रहे हैं, इसमें हम JBL के स्टेज 2 कंपोनेंट लगा रहे हैं, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, और डैम्पिंग की भी प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो डैम्पिंग भी पूरी यहाँ पे इसमें होने वाली है, जो सिटी के ब्रांड की रहने वाली है, सबसे प्रीमियम क्वालिटी की। और इसमें हम पूरा रिस्टोरेशन कर रहे हैं, इसमें हम कंपनी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो निकाल के हम इसमें लगा रहे हैं, एंड्रॉयड वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले के साथ में, और इसमें हम एक रिवर्स कैमरा भी ऐड करने वाले फॉर रिवर्स पार्किंग फीचर। सीट कवर भी इसके हम अपग्रेड कर रहे हैं कंप्लीट, जो पुराने सीट कवर हैं बहुत ख़राब हो गए थे तो वो भी इसमें कंप्लीट अपग्रेड होने वाले। फ्लोर मैटिंग इसकी कंप्लीट हम चेंज कर रहे हैं, तो एक तरीके हम पूरा ही इसमें काम कर रहे हैं, स्टेयरिंग पे रैप करने वाले, तो कंप्लीट इसका काम हो रहा है। तो आप बताना पूरा काम होने का आपको ये काम कैसा लगेगा। तो अभी जो कंपनी से स्टॉक सीट कवर आए हैं तो वो कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये जो लेदर है इसका काफ़ी ज़्यादा क्रैकल हो गया है और ये फटना चालू हो गया है और स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इसको रिप्लेस करके हम इसमें लगा रहे उड़ना बकेट वाले सीट कवर जो कि नापा लेदर में रहने वाले हैं, और जो कलर चॉइस है वो इसमें हम टैन ब्लैक रख रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का जो ऑलरेडी डोर था वो टैन कलर का है, तो कस्टमर को इसको चेंज नहीं करवाना था, तो हम इंटीरियर को सेम वैसे ही रख रहे हैं। बात करें इसकी एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर में इन फ्यूचर इसमें हम डेंटिंग और पेंटिंग की प्रोसेस करने वाले हैं और रैप भी करेंगे। अब ये टाटा सवारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो फ्रंट की आप इसकी प्रोफाइल देखते हैं। जो ये गाड़ी हमारे पास आई थी जिसकी हेडलाइट पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, लाइक उसमें पानी भरा चुका था, तो हमने इसमें ब्रांड न्यू हेडलाइट चेंज कर दिए हैं, ये लुमेक्स ब्रांड की हमने इसमें हेडलाइट लगाई है, तो इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी आती है। इसमें आपको टाटा की चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, क्वालिटी वाइज दोनों सिमिलर रहती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसमें हमने हेडलाइट भी चेंज कर दिए, हेडलाइट भी हमने लगा दी है। इसमें हमने लगाए अजूम की LED 130 वॉट जो कि जर्मन ब्रांड रहने वाला है, तो इसमें हमने LED ये वाली लगाई है अजूम की जर्मन मेड वाली 130 वॉट। इसमें आपको 2 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है और विजिबिलिटी थ्रो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही साथ इसमें फॉग लैम्प डैमेज हो गए थे तो इसमें हमने फॉग लैम्प भी रिप्लेस कर दिए, तो ये हमने येलो ही रखे हैं क्योंकि कस्टमर का प्रेफरेंस था कि उनको फॉग लैम्प येलो ही रखें, तो इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करें। तो अब बात करते हैं इसमें हमने क्या क्या अंदर सिस्टम लगाया है। हमने जो इसमें अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया है, हमने इसमें सबसे अच्छे ब्रांड निपॉन का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया है जो कि 2+32 GB में आता है विद एप्पल कारप्ले के साथ में, ये 9 इंचेस में एंड्रॉयड लगाया हमने। साथ ही साथ जो हमने स्पीकर्स लगाए हैं, हमने JBL की कंपोनेंट लगाई है फ्रंट में जो कि स्टेज 2 कंपोनेंट है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें हमने इंटीरियर में डैम्पिंग भी करी जो कि सिटी के ब्रांड की करी है, जो कि प्रोफेशनल सीरीज उसकी रहने वाली है। रियर में हमने कोएक्सल जो लगाए हैं, हमने ये JBL के 350 वॉट वाले कोएक्सल लगाए, लाइक मीडियम वाइज इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है बजट वाइज अगर देखा जाए। इसमें हमने K4 वाली एम्बिएंट लाइटिंग भी लगाई है जिसका आपको अंदर से पूरा सिस्टम और क्वालिटी दिखाएंगे कैसी क्या इसकी क्वालिटी रहने वाली है। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ, दिखाते हैं उसमें हमने क्या ऐड किया है।
तो अब हम आ गए इसकी साइड की प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में कंपनी से यहाँ पे फुटरेस्ट नहीं आते, तो इसमें हमने फुटरेस्ट भी ऐड कर दिए जो कि क्रोमा मॉडल है। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल जो इसमें चल रहा है। इसमें आपको हमारे पास 5 से 6 मॉडल मिल जाएंगे अवेलेबल, तो ड्यूरेबिलिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं फुटरेस्ट। अब चलते हैं इसकी इंटीरियर की तरफ। अब हम आ गए इसकी इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में हमने इसमें लगाई है K4 वाली एम्बियन लाइटिंग जो कि 20 पीस में रहने वाली है। फिनिशिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सफारी कार है तो इसमें लाइक स्पेस इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो जो भी इसमें मैक्सिमम स्पेस थी हमने वहाँ वहाँ इसमें कवर करी है। डोर्स पे आप देख सकते हैं कंप्लीट, इसमें हमने डोर पैनल पे इसमें लगाई है। हमने यहाँ पे हैंडल में इसमें एम्बियन लाइटिंग इंस्टॉल करी है। यहाँ बॉटल होल्डर में इसमें हमने एम्बियन लाइटिंग दी है। फ्लोर पे भी एम्बियन लाइटिंग है, सारे डोर्स पर है, मतलब आप फिनिशिंग क्वालिटी देख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी रियर की तरफ। तो रियर में भी आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है एम्बियन लाइटिंग लगने के बाद कम्प्लीटली। और हमारे जो 2 पीसेस है वो हमने यहाँ पे रूफ में लगाए जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक ये कार को प्रोवाइड कर रहे हैं लगने के बाद। क्वालिटी फिनिशिंग आप देख सकते हैं लाइट की काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आ रही है। और ये अल्ट्रा थिन एम्बियन लाइटिंग है जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होती है लगने के बाद। तो इसमें हमने सीट कवर भी लगाए जो कि बकेट फिटिंग में लगाए। सीट कवर की क्वालिटी रहने वाली है नापा लेदर सीट कवर रहने वाला है, और कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छी हो गई है लगने के बाद, और क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम आ रही है। हमने जो कॉम्बिनेशन लगाया इसमें हमने टैन प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन लगाया, क्योंकि कस्टमर के जो डोर पैनल से तो वो टैन कलर के थे तो उनको वो रिप्लेस नहीं करवाने थे, तो हमने सेम वही रियर पे भी प्रोफाइल रखी है सेम टू सेम, और एज वेल एज थर्ड रो में हमने सेम प्रोफाइल रखी है। अब दिखाते हैं आपको इसकी सिस्टम की कैसी क्या क्वालिटी है। तो इसमें हमने जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया वो निपॉन ब्रांड का लगाया जो सबसे रेनॉल्ड ब्रांड है। तो ये जो इसमें हमने सिस्टम लगाया ये एप्पल कारप्ले के साथ में, और स्टोरेज जो आपको मिलती है 2+32 GB इसमें स्टोरेज आपको मिलती है। इसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड भी मिल जाएगा कंप्लीट, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लैग की कोई भी इशू नहीं है इसमें, स्मूथली पूरा चलता है, और साउंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो स्पीकर भी लगाए हैं तो उसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, डैम्पिंग से साउंड क्वालिटी भी और इसकी इनहेंस हो गई है। तो लैग आप इसका देखें 0 लैग है इसमें कंप्लीट। तो अभी आपकी गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल करा, ऐसी कुछ फिटिंग आती है सफारी कार में इसकी। अभी इसका एसी पैनल लगना बाकी है तो वो भी यहाँ पे फिटमेंट हो रही है, और यहाँ पे हमने स्टेयरिंग पे इसमें कंप्लीट रैप भी कर दिया है जो कंप्लीट आप फिटमेंट इसकी देख सकते हैं। पूरा हमने ब्लैक की रखा है इसको स्टेयरिंग को भी, तो इसकी भी आप कंप्लीट फिटमेंट देख सकते हैं। सफारी की कंप्लीट हमने आपको डिटेल सारी शेयर कर दी, तो इसके ही आपको रिस्टोरेशन की प्रोसेस कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कस्टमर को इसमें डेंटिंग और पेंटिंग का वर्क भी कराना था, तो अभी बजट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो नेक्स्ट राउंड में वो डेंटिंग पेंटिंग का वर्क प्लान करेंगे। तो इसमें आगे भी हम बहुत सारे मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे आपके लिए कंप्लीट रिस्टोरेशन के लिए। तो अगर आप भी एक सफारी ओनर हैं तो आप भी अगर अपनी कार नहीं बेचना चाहते, या आपके पास कोई भी ऐसी कार हो जो आपको नहीं बेचनी हो, आपको रखनी हो किसी भी रीज़न की वजह से, और आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करवाने हो क्योंकि आप उसको रख पाओ या उसको कुछ मॉडिफाई कुछ चेंजेस, तो आप हमारा स्टोर विजिट कर सकते हैं। हमारे स्टोर का नाम है न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर जो कि इंदौर में शास्त्री मार्केट में इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक के सामने लोकेटेड है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि उसी से हम आपके लिए लाएंगे ऐसी कुछ नई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।